बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई विल टीच यू केमिस्ट्री फॉर क्लास 8 एंड 9। टुडे इज़ माय लेक्चर नंबर 17। स्टूडेंट्स, अब मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ा दिया था, उसके पीरियड्स के मुतालिक और ग्रुप के मुतालिक समझाया था। पीरियड्स तमाम बता दिए थे, आज हम ग्रुप्स के मुतालिक चंद ग्रुप की अहम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। राइट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। ग्रुप फर्स्ट ए की 5 अहम खसूसियात बताइए। ग्रुप फर्स्ट ए द अल्कली मेटल। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। द वर्ड अल्कली इज ड्राइड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मीनिंग एशेस। ग्रुप फर्स्ट ए के अनासिर को अल्कली धातें कहा जाता है। अल्कली का मतलब, अल्कली जो है अरबी जबान के लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मतलब है राख। करेक्टरिस्टिक्स, दे आर मोनोटॉमिक। ये जो हैं ये अनासर एक एटमी होते हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड मेटेलिक स्टेट। ये ठोस हालत में पाए जाते हैं, ठोस धाती हालत में पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट इज़ इनकम्प्लीट हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। इनका बैरूनी मदार नामुकम्मल होता है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर हाईली रिएक्टिव। इस ग्रुप के अनासर बहुत ज़्यादा मुतामिल होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। इस ग्रुप के अनासर में मरकबात बनाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है। इस ग्रुप में ग्रुप फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम अनासर एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं। राइट 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप टू। ग्रुप टू के एलिमेंट की 5 अहम खसूसियात बताइए। ग्रुप टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप टू आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। दीज एलिमेंट्स अकर इन नेचर एज सिलिकेट, मिनरल्स एंड देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रांगली बेसिक। देयरफोर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप टू के अनासिर को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। ये कुदरत में सिलिकॉन की शक्ल में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके ऑक्साइड यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की शक्ल में भी ये मौजूद होते हैं। ये असासी खसूसियात रखते हैं, इसलिए अनासिर को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। दे आर मोनाटॉमिक। ये भी एक एटमी अनासिर होते हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड मेटेलिक स्टेट। सॉलिड स्टेट ये ठोस हालत में पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट इज़ इनकम्प्लीट। इनका बैरूनी मदार जो है नामुकम्मल होता है। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट इज़ इनकम्प्लीट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। इन अनासिर के भी बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये आमिल अनासिर कुछ हद तक जो है वो मुतामिल होते हैं, यानी कि रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव मॉडरेट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। इनमें मरकबात बनाने की सलाहियत भी अल्कली मेटल के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। इस ग्रुप में जो अनासर शामिल हैं वो है बेरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और रेडियम वगैरह शामिल हैं। राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप थर्ड। थर्ड ग्रुप के अनासर की अहम खसूसियात मंदरजा ज़ैल हैं। थर्ड ग्रुप द बोरॉन और एलुमिनियम फैमिली। द एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप आर कॉल्ड बोरॉन और एलुमिनियम फैमिली। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये भी ठोस हालत में पाए जाते हैं और इसको बोरॉन और एलुमिनियम फैमिली या ख़ानदान का नाम दिया गया है। दे आर मोनाटॉमिक। या अनासर भी एक एटमी हालत में पाए जाते हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये ठोस हालत में होते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट इज़ इनकम्प्लीट हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन। इनके बैरूनी मदार में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर क्वाइट रिएक्टिव। ये भी कुछ हद तक मुतामिल होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव मॉडरेट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। इनमें मरकबात बनाने की सलाहियत पाई जाती है। इस ग्रुप के अनासर में जो है जो अनासर शामिल हैं वो हैं एलुमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम वगैरह शामिल हैं। ग्रुप फोर्थ द कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ आर कॉल्ड कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली। इस ग्रुप के अनासर को कार्बन और सिलिकॉन फैमिली का नाम दिया गया है। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये भी ठोस हालत में पाए जाते हैं। दे आर मोनाटॉमिक। ये एक एटमी मॉलिक्यूल है या एक एटमी अनासर हैं। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये भी ठोस हालत में पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट इज़ इनकम्प्लीट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। इनके 4 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन देने की इनमें सलाहियत मौजूद होती है। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर क्वाइट रिएक्टिव। ये काफ़ी हद तक मुतामिल होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव मॉडरेट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। इनमें भी मरकबात बनाने की सलाहियत मौजूद होती है।
ग्रुप फोर्थ के अनासर में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टन और लेड वगैरह शामिल हैं। ग्रुप फिफ्थ, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फिफ्थ आर कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। करेक्टरिस्टिक्स, सम आर मोनोटॉमिक एंड सम आर डायटॉमिक। ये कुछ अनासर जो हैं वो एक एटमी है और कुछ दो एटमी मॉलिक्यूल होते हैं। सम ऑफ देम एग्जिस्ट इन गैशियस एंड सम आर इन सॉलिड स्टेट। कुछ अनासर ठोस हालत में और कुछ जो है गैस हालत में पाए जाते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दिस एलिमेंट इज इनकम्प्लीट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन। इनके इनमें 5 ग्रुप नंबर इलेक्ट्रॉन की तादाद को जाहिर करता है। तो इनके आखिरी मदार में यहाँ कहना चाहिए कि इनमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर क्वाइट रिएक्टिव। ये अनासर बहुत हद तक जो है वो अनासर में हिस्सा मुतामिल होते हैं, यानी कि इनमें मुरकबात बनाने की सलाहियत होती है। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर क्वाइट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। इनमें भी मुरकबात बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी वगैरह शामिल हैं। 5 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सिक्स थे। करेक्टरिस्टिक्स, सम आर मोनोटॉमिक एंड सम आर डायटॉमिक। कुछ अनासर दो एटमी और कुछ एक एटमी अनासर होते हैं। सम ऑफ देम एग्जिस्ट इन गैशियस एंड सम आर इन सॉलिड स्टेट। कुछ ठोस और कुछ गैस हालत में पाए जाते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर क्वाइट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। इनमें मुरकबात बनाने की सलाहियत होती है। द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोटैश, ऑक्सीजन टू पोलोनियम। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड कमज़ोर होता जाता है ऑक्सीजन से पोलोनियम की जानब जैसे जैसे बढ़ता है तो कोवेलेंट बॉन्ड में कमज़ोरी आती जाती है। देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप। इसमें नीचे की जानब जाते हुए आयन साजी तवानाई में भी कमी आती रहती है। इस ग्रुप के अनासर में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम और पोलोनियम शामिल हैं। ग्रुप सेवन्थ, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेवन्थ आर कॉल्ड हेलोजन फैमिली। इस ग्रुप के अनासर को हेलोजन फैमिली का नाम दिया गया है। द टर्म हेलोजन मीन्स सॉल्ट फॉर्मर। हेलोजन का मतलब है नमक बनाने वाले अनासर। दे आर डायटॉमिक एक्सेप्ट 80। इसमें से ये तो दो एटमी मॉलिक्यूल हैं 80 के अलावा। हेलोजन आर वेरी एक्टिव नॉन मेटल। ये बहुत ज़्यादा मुतामिल जो है वो गैर धाते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ दीज एलिमेंट इज इनकम्प्लीट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। इनके बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर हाईली रिएक्टिव। इस ग्रुप के अनासर बहुत ज़्यादा मुतामिल होते हैं। देर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप। इसमें नीचे की जानब आते हुए आयन साजी तवानाई में कमी आती रहती है। ग्रुप सेवन के अनासर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टटीन शामिल हैं। स्टटीन के अलावा बाकी सारे अनासर दो एटमी मॉलिक्यूल या अनासर के तौर पर पाए जाते हैं। ये ग्रुप तमाम ग्रुप सेवन ए ग्रुप तक की आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी गई हैं। इनको अच्छे तरीके से आप तमाम ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक्स को याद कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी ग्रुप की खसूसियात आती हैं तो इस हिसाब से आप इसको लाजमी याद कर लीजिए।